नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर गार्डनिंग में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से अच्छे फर्टिलाइजर हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इस लाल बटन को दबाकर, और इस बेल को भी दबाइए ताकि आपको गार्डनिंग की जानकारी मिलती रहे। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं तो वो है हमारे गाय का गोबर यानी काऊ डंग कंपोस्ट। ये बनाना बहुत आसान है और आप अपने घर में भी बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात कर ले तो वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट माने केचुए की खाद। जो ये केचुए की खाद है ये भी आप अपने घर में बना सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। और तीसरे नंबर पे बात कर लें तो किचन वेस्ट कंपोस्ट। ये हमारे जो किचन में वेस्ट बच जाता है उसका जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो है ये। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वो है लीफ मोल्ड यानी पत्तियों की खाद। लीफ कंपोस्ट बोलें या लीफ मोल्ड बोलें, एक ही चीज़ है। और फिर उसके बाद हमारा पाँचवें नंबर पे आता है मस्टर्ड केक। और मस्टर्ड केक और नीम केक मैं एक साथ मतलब कर दिया हूँ क्योंकि दोनों एक ही टाइप के आइटम हैं। मस्टर्ड और ये नीम केक दोनों तेल निकालने के बाद जो बच जाता है वो है ये, पर इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और अब आता है वुड ऐश। वुड ऐश माने लकड़ी की राख। ये भी बहुत अच्छा है हमारे प्लांट के लिए। और नेक्स्ट नंबर पे देख लें तो वो है बोन मील। ये भी एक ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है। एग शेल, ये भी आप कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप चूरा करके अपने गार्डन में जो है मिला सकते हैं। और ये बहुत आसान है तो आप खुद बना सकते हैं। और आखिरी और सबसे बेहतरीन बनाना पील फर्टिलाइज़र, ये केले के छिलकों को पानी में डुबा कर बनाया जाता है। और इसमें ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा कराते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल